हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है विजय रमनलाल संघवी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 791 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 दिसंबर 2022 को आया। इस केस में असेसी को असेसमेंट ईयर 11-12 का नोटिस 27 मार्च 2018 को इशू किया गया। यह नोटिस 4 साल के बियॉन्ड जाके इशू किया गया था और मुंबई सेंट्रल सर्कल 2 से यह इंफॉर्मेशन मिली थी कि एसएससी ने 2 फरवरी 2011 को 70 लाख का 3 एकोमोडेशन एंट्रीज ली हैं। जब असेसिंग ऑफिसर को यह इंफॉर्मेशन मिली तो असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को नोटिस दिया और रीजंस में यह कहा कि क्योंकि आपने जो बैंक अकाउंट है वो अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं दिखाया है और इसीलिए ये जो अमाउंट है इसके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए। जब एसएससी को ये नोटिस मिला तो एसएससी ने जो ऑब्जेक्शंस दिए वो ये कहा कि मैंने अपनी रिटर्न फाइल की है, मैंने 19 लाख की रिटर्न फाइल की है जिसके अंदर 12 लाख रुपए सैलरी है, 7.66 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 36,845 का इंटरेस्ट मैंने बैंक से दिखाया है। तो इसलिए यह कहना कि मैंने अपना बैंक अकाउंट नहीं शो किया यह सही नहीं है। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऑब्जेक्शंस को खारिज किया और असेसमेंट करने के लिए आगे प्रोसीड किया। तो उस स्टेज पर एसएससी ने इस नोटिस को गुजरात हाईकोर्ट में चैलेंज किया। एसएससी का पहला पॉइंट यह था कि जो असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया है वो बोरोड सेटिस्फेक्शन के आधार पर किया है, असेसिंग ऑफिसर ने अपनी सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड नहीं की है। असेसी का यह कहना था कि जो कोई भी अमाउंट असेसी को रिसीव होता है खाली इस आधार पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हर कोई रिसीट होती है वो असेसी की इनकम नहीं होती। असेसी का यह कहना था कि जो इंफॉर्मेशन मिली असेसिंग ऑफिसर ने उस पर कोई भी अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं की और डायरेक्ट असेसी को नोटिस इशू कर दिया, ये कहते हुए कि ये जो आपने इनकम शो की अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में वो आपके इस ट्रांजैक्शन से कमेंसुरेट नहीं है। असेसी का यह कहना था कि एक असेसी जिसकी इनकम कम है वो ज्यादा अमाउंट का लोन जो है वो रिसीव कर सकता है, तो इसलिए खाली इस आधार पर कि एसएससी ने जो अमाउंट रिसीव किया है वो बड़ा अमाउंट है, खाली उस आधार पर एसएससी को सेक्शन 148 के अंदर असेस नहीं किया जा सकता। एसएससी का यह भी कहना था कि मैंने ये अमाउंट जो है वो 2 महीने के अंदर रीपे कर दिया था, तो जो असेसिंग ऑफिसर की एलिगेशन है कि मैंने ये अमाउंट एकोमोडेशन एंट्री के बतौर लिया है, तो यदि मैंने ये अमाउंट एकोमोडेशन एंट्री के बतौर लिया होता तो मैंने इस अमाउंट को वापसी नहीं किया होता। एसएससी का यह भी कहना था कि ये जो नोटिस भेजा गया है ये खाली रीजन टू बिलीव के बेसिस पर नहीं है, असेसिंग ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन के बेसिस पर नहीं है, ये बोरोड सेटिस्फेक्शन के आधार पर है और ये नोटिस खाली असेसिंग ऑफिसर ने एक रोविंग और एक सनसनी तौर पर इंक्वायरी करने के लिए एसएससी को भेजा है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम देखते हैं कि जो जनरली जो सेक्शन 148 का नोटिस है वो बिल्कुल फैग एंड पर भेजा जाता है और कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास होती है उसके ऊपर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड असेसिंग ऑफिसर एसएससी को नोटिस इशू कर देते हैं, जबकि जो पुरानी रिजीम थी उसके अंदर तो ये प्रावधान था ही कि असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए और जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर को मिलती है खाली उस इंफॉर्मेशन के आधार पर असेसिंग ऑफिसर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू नहीं कर सकता। असेसिंग ऑफिसर खुद भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि हां इस ट्रांजैक्शन की वजह से एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, क्योंकि इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को यह भी नहीं बताया था कि वो जो ट्रांजेक्शन एसएससी ने की है उस ट्रांजेक्शन में से कितना अमाउंट ऐसा है जो एसएससी इनकम एस्केप कर रहा है जिसके ऊपर। तो ऐसे केस के अंदर जब नोटिस वेग है और यह भी पॉइंट आउट नहीं किया गया है कि कितनी इनकम एस्केप हुई है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह नोटिस सेक्शन 148 के दायरे में है। फ्रेंड्स,
एसएससी का यह कहना था कि मैंने जब अपनी रिटर्न फाइल करी तो मैंने अपने सारे बैंक अकाउंट डिस्क्लोज किए हैं और अपनी उन बैंक अकाउंट्स पे जो मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो भी मैंने शो किया है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने डिपार्टमेंट को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जिसकी वजह से डिपार्टमेंट जो है वो 4 साल के बियॉन्ड जा सकता है। और इस केस में गुजरात हाईकोर्ट ने सेक्शन 148 के नोटिस को क्वेश्चन किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विजय रमनलाल संघवी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 457 आईटीआर पेज नंबर 791 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 दिसंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।